गुरबाणी दिया वीडियोस देखने लिए साडे चैनल नु सब्सक्राइब करो ते आइकन बेल दा बटन भी जरूर दबाओ जी। रब दा प्यार, रब दी कृपा आशीष हर कोई चांदा है, पर रब परमात्मा सब दे ऊपर अपनी कृपा अलग-अलग तरीके तो करदे हन। किसी नू जीवन विच बहुत सुख मिलदे हन ते किसी नू बहुत दुख मिलदा है ते कईयां दा जीवन मिलिया जुलिया रहिंदा है। पर जदों भी किसी आम मनुख दे नाल कुछ बुरा हुंदा है ता ओ किते ना किते अपने दिमाग विच सोचन लग पैंदा है कि रब मैनू प्यार करदा है या नहीं। ते आज दी वीडियो विच ऐसियां 8 गल्लां, ऐसियां 8 इशारे तुहानू दसे जाणगे जिस नाल तुहानू पता चलेगा कि तुसी रब दे किन्ने नेड़े हो ते रब तुहानू किन्ना प्यार करदा है। रब परमात्मा तुहानू प्यार करदे हैं या नहीं करदे हैं, इस दा सब तो पहला इशारा ऐ है, सब तो पहला संकेत ऐ है कि तुसी जेड़ा भी काम करोगे उदे विच तुहानू सक्सेस नहीं मिलेगी, भाव तुहाडा कोई भी काम सफल नहीं होएगा। ऐ सुन के तुहानू अजीब ता लगेगा पर ऐ सच है। तुसी अपना काम 100% सही करोगे पर तुहानू काम विच सफलता नहीं मिलेगी। ऐ चीज बार बार होएगी और तब तक होंदी रहेगी जदों तक तुहाडियां अखां नहीं खुल जांदियां। ते दूसरा इशारा ऐ है कि जदों तुहाडा अपने ऊपर जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। जी ए कड़वी गल है लेकिन सच्चाई है कि तुहानू समझ ही नहीं आंदा कि मैं अपनी प्रॉब्लम दा हल किवें कड्डां। तुसी दूसरा नाल भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पांदे, अगर शेयर करदे भी हो तो दूसरा उसका कोई ध्यान नहीं दंदा है। ते इस तो बाद तीसरा संकेत, तीसरा इशारा ऐ है कि तुहाडा दुख चरम सीमा ते, भाव तो ज्यादा जड़ी मतलब दुख दी जड़ी सीमा अंत तक होंदी है उत्थे तक पहुंच जाएगी कि तुहानू लगन लग जाएगा कि इस तो ज्यादा हुन दुख की ही हो सकता है। तुसी भी संता महापुरखां दा जीवन देखिया ही होएगा, उन्होंने भी बहुत ही दुखां दा सामना करना पिया, इन्ने दुख आए कि उन्हां दे अंदर भी रब नूं पाण दी उत्सुकता जागदी है ते अंत विच आखिर विच उन्हां नूं रब दी प्राप्ति होंदी है ते रब नाल उन्हां दा मिलाप होंदा ही है। परमात्मा सानूं पहले हारना सिखांदा है क्योंकि जेकर तुसी पहले हार नूं नहीं समझोगे तां जीत नूं भी तुसी नहीं समझ सकदे हो। ते चौथा इशारा ऐ है, चौथा संकेत ऐ है कि जदों तुहाडियां सारियां उम्मीदां टुट जाणगियां तां तुहाडे अंदर एक इनर सर्च शुरू होएगी, अंदरूनी एक खोज शुरू होएगी, किसे नूं पाण दी एक खोज शुरू होएगी। इस विच तुसी अपने आप नूं ही परखण दी कोशिश करोगे, अपनियां खामियां अपनियां गलतियां नूं जानण दी कोशिश करोगे। तुसी हुण तक जो भी गलतियां कीतियां हन या जिस काम विच तुसी फेल हो गए हो उस दा कारण जानने दी कोशिश करोगे, उदी जड़ तक जानने दी कोशिश करोगे कि इस तरह क्यों होया। ऐ ही ओ वक्त होंदा है जिस समय तुसी अपनी अंतर आत्मा नाल जुड़न लग जांदे हो ते तुहाडे जीवन विच एक नवा बदलाव आंदा है। पंजवां इशारा यानी कि पंजवां संकेत ऐ है कि तुहाडे करैक्टर विच, तुहाडे जो शख्सियत है उहदे विच बदलाव आण लग जाएगा क्योंकि जिस वक्त तुसी अपने आप नाल अपनी अंतर आत्मा नाल जुड़न लगदे हो तां तुहानू अपनियां गलतियां अपनियां खामियां बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एकदम शीशे वांग नजर आन लग जांदियां हन।
थोड़े अंदर एक ठहराव आन लग जाता है ते तुहानू समझ आंदा है कि असी जीवन विच ए गलतियां कीतियां हन। अपनी गलतियां नू अपनी हार नू समझन दी पूरी पूरी कोशिश करदे हो ते ओ तुहानू समझन भी लग जांदियां हन। ऐ सब जो है परमात्मा ही सानू इस राह ते लिया रहा होंदा है ताकि असी परमात्मा दी भाषा नू समझ सकिए। जदों तक असी परमात्मा दे गुणा नू परमात्मा दी इस खेड नू नहीं समझ सकांगे तब तक सानू परमात्मा ते परमात्मा साडे नाल जो प्यार करदा है ओ भी सानू समझ विच नहीं आवेगा। भाव परमात्मा दे प्यार नू नहीं समझ सकांगे। इस करके परमात्मा साडे अंदर बदलाव लियांदे हन ताकि असी उन्हां दी भाषा नू समझ सकीए भावे दुख दे जरिए या किसी होर तरीके नाल। ते छेवां इशारा छेवां संकेत यह है कि तुसी इस अवस्था ते पहुंच जाओगे कि तुसी हार और जीत दा कंपैरिजन नहीं कर सकोगे। मतलब हार और जीत दा अनुभव ही नहीं कर पाओगे, फील ही नहीं कर पाओगे। ते ऐ ओ वक्त होएगा जदों तुसी बदल चुके होवोगे, तुहाडे अंदर बदलाव आ गया होवेगा, तुहाडा हुण चीजां नूं देखण दा नजरिया बदल जाएगा, बाहर हो रहियां घटनावां दा तुहाडे उत्ते कोई असर नहीं होवेगा। ते सत्वां संकेत सत्वां इशारा ऐ है कि जदों तुसी महसूस करन लग जाओगे कि इस परमात्मा साडे बहुत ही नेड़े है ते ओ तुहाडी जिंदगी विच तुहानूं सब तों वड्डा उस वेले झटका लगेगा क्योंकि ऐ तुहाडी सब तों वड्डी परीक्षा होंदी है, तुहाडी सच्चाई दी तुहाडी बुद्धि दी सब तों वड्डी परीक्षा होवेगी। क्योंकि हुण तक तुसी जो भी रस्ता तय किया है जो भी साधना कीती है तां तुहानूं इस वेले लगन लग जाएगा कि जिंदगी विच तुहानूं ज्यादा इन्ने दुख मिल जाएंगे या फिर इन्ने सुख मिलनगे कि तुहानूं इस तरह महसूस होने लग जाएगा कि रब तां कुछ भी नहीं है। ऐ जेड़ा समय होंदा है इत्थे तुहानूं सब तों ज्यादा धीरज रखना है। जे तुसी इस समय धीरज रखिया बिल्कुल भी परेशान नहीं होए घबराहट नहीं दिखाई ता अठवां इशारा आन तो पहले रब तुहाडे अगे समक्ष तुहाडे सामने प्रगट हो जांदे हन जेकर तुसी घबराए नहीं। रब सानू आ के अपना रूप दिखांदे हन पावे ओ किसी भी रूप विच आन क्योंकि अठवां संकेत अठवां इशारा ऐसा होंदा है जिसनू शब्दां विच ता बयान ही नहीं किता जा सकदा। अठवां इशारा ऐ है कि इस स्थिति तक इस अवस्था ते तुसी पहुंच जाओगे कि तुहाडे मन विच 1% भी ऐ अविश्वास नहीं होएगा कि रब नहीं है, ऐ विश्वास आ जाएगा कि रब मेरे नाल ही है, रब दे प्रति तुहाडे अंदर इन्नी आस्था आ जाएगी। तुहानू इस तरह महसूस होने लग जाएगा हर वक्त कि परमात्मा मेरे नाल ही है। तुसी एक अलग ही मौज मस्ती विच जीन लग जाओगे, एक अलग ही आनंद तुहानू महसूस होने लगेगा कि मैनू किसी दी भी परवाह नहीं है क्योंकि परमात्मा ता हुण पल पल खिन खिन मेरे नाल ही है। इस तरह दी तुहानूं शांति मिल जाएगी कि इन्नू गल्लां विच तां बयान कीता ही नहीं जा सकदा। तां मेरियां इह गल्लां जो तुहानूं मैं दसियां हन किस तरह लगियां कमेंट विच जरूर दस्यो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।